जानवर कर फसल वसान तम छन तम फुटर सोन गुजारिश खारण सड़क यमो हजूम कर सड़क खारने यह हेतु जाल मगर अस फिर वापस तो यमो क्या चट बाग मजूर ये नौकर पेश क्या मजूर मदद कर कुल दिन मगर करो सोने मगर बहरानी वहरल बहरल मगर बहान तुर नाथ मे कतर बतर तक बहस तौर ग मगर तुम इंसाफ गरीब मार कोर बोले अगर इन कर अगर सड़क हूं जब तो कगर यम क्या कर्मन क्या सान बागन सह मजूरी कर मजूर कर पोस मगर तमन चमित कुल वन कर खुद सबने खात वन कर खुद सबने खात कह बहरान वन हक बुद अन बहरान बिल्कुल गस तौर क्या मगर क्या करो मर वन अंदर कहीं फाक दपान गा मगर यम रटन मार गुलाम अहमद डाक्टर सब खानदार जिया सरफ कड़ी सड़क यम यहाँ नार दिन अगर हजूम यम गए पजूम कर बाग कतर बतर कतर बतर कैस गई नफर वह पंच जख्मी यम आया जिया सब झालनी कुल मावज बस कड़ी सड़क पीर साहबस कड़ी सड़क दिय सजा लागन कतर बतर वरकू मेरा नाम वासिक अयूब है। जब ये रोड बन रहा था यहाँ पर आर एन बी ने ये रोड इशू किया था यहाँ जियारत शरीफ तक डाटा गनाई गुंड से। जब ये 100 मीटर का फासला रहा यहाँ पर, फिर ये लोग आए बोले कि हमारे यहाँ ग्रेव यार्ड है, लेकिन यहाँ पर आपने खुद देखा यहाँ कोई ग्रेव यार्ड नहीं है, ये घास चरा ही है, मतलब गवर्नमेंट लैंड है। और जब ये नाकाम हो गए हर किसी एंगल से, फिर ये यहाँ पर आए और इन्होंने ये जियारत को नुकसान पहुँचाना चाहा। हम घरों में बैठे हुए थे, इन्होंने पत्थर चलाया, हम घर से निकले, यहाँ पर ये 10-20 बंदे थे, तो हम जब 30-40 बंदे आ गए ये भाग गए, यहाँ से भागते भागते हमारे सेब के बागों में गए और वहाँ पर सारे इन्होंने उखाड़ दिए, वो पेड़ वेड़ काटे दिए। तो एडमिनिस्ट्रेशन का कोई जो आला अधिकारी यहाँ पर पहुँचा है, उसने हालात का जायजा लिया? एस एच ओ यहाँ पर था, वो बाद में आ गया, ADC था, और उन्होंने वो क्या कर पाते, फिर वो तो भागे हुए थे। कोई यकीन दहानी उन्होंने कराई आप लोगों को? जी हाँ, उन्होंने बोला कि हम इसका मुआवजा भी देंगे और इनको सजा भी देंगे। और एक बात ये जरूरी है, जब वो बाघ काट रहे थे, फिर मैं और मेरी माँ वहाँ पर गए, तो वहाँ पर एक बंदा था उसका नाम है सुहेल अहमद, उसने मेरी माँ को हाथ दिखाया, बोला कि इस हाथ से मैं तेरे बेटे का ये सर दर्द से अलग कर दूंगा। अभी आप वो गवर्नमेंट टीचर है, वो क्या मतलब अगर गवर्नमेंट टीचर ऐसी बात करेगा फिर बच्चों ऊपर क्या इम्पैक्ट? दिन भर की सभी खबरों के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए हमारी ऑफिशियल चैनल को और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आप हो सके हर खबर से वाकिफ।